तो दोस्तों पैनासोनिक और ऑनर दोनों ने ही अपने स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं कल, और आज इस हम वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं ऑनर 8X की हम कंपेयर करेंगे दोनों स्मार्टफोनों को कैमरा परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन प्राइस। तो जल्दी से इस वीडियो को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो अगर शुरू करते हैं डिस्प्ले एंड डिज़ाइन से, तो दोनों ही स्मार्टफोनों में फ्रंट और बैक में ग्लास देखने को मिलता है और साइड में स्टेनलेस स्टील के बेजल्स। ऑनर 8X का थोड़ा ग्लासी लुक ज़्यादा पसंद आता है बजाय पैनासोनिक के। दोनों ही स्मार्टफोन नॉच्ड स्क्रीन के साथ आते हैं। अगर बात करते हैं ऑनर 8X की स्क्रीन की, तो वो 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। वहीं पर अगर बात करते हैं पैनासोनिक की, तो इसमें आपको 6.18 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोनों स्मार्टफोनों में फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक साइड में दिया गया है। अगर बात करते हैं फेस अनलॉक की, तो दोनों स्मार्टफोनों में फेस अनलॉक आता है, मगर पैनासोनिक एलुगा P1 में इंफ्रारेड फेस अनलॉक है, जबकि ऑनर 8X में इंफ्रारेड फेस अनलॉक नहीं है। ये केवल फ्रंट कैमरे का यूज़ करते हुए फेस अनलॉक करता है। अगर कैमरास की बात करते हैं, तो ऑनर 8X में 20+2 मेगापिक्सल के रियर कैमरा मिलता है, जो कि फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाता है, और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का मिलता है, वो भी फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाता है। अगर पैनासोनिक एलुगा X1 की बात करते हैं, तो 16+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है, वो फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। और जब बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का मिलता है, ठीक वैसे ही ऑनर 8X की तरह, पर ये 720p में वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, वो भी 3GP फॉर्मेट में। अगर AI की बात करते हैं, तो पैनासोनिक एलुगा X1 में दोनों कैमराज में फ्रंट और बैक में AI पावर्ड कैमरा मोड मिलता है, जबकि अगर बात करते हैं ऑनर 8X की, तो इसमें केवल फ्रंट कैमरे में ही आपको AI देखने को मिलता है, जो कि फोटोज़ को थोड़ा सा मोल्ड कर देता है, थोड़ा सा चेंजेस कर देता है, जिससे आपकी फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे लगने लगती हैं, तो वो पैनासोनिक में एक प्लस पॉइंट। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करते हैं, तो ऑनर 8X में आता है आपका किरिन 710 प्रोसेसर, जो कि एक काफ़ी अच्छा पावरफुल प्रोसेसर है, और आप गेमिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं पैनासोनिक एलुगा X1 की, तो इसमें आपको दिया गया है मीडियाटेक का P60 प्रोसेसर, जो कि बहुत ही मिड रेंज स्मार्टफोन प्रोसेसर है, और ये वाला प्रोसेसर आपको 11,000 रुपये के डिवाइसेस में भी देखने को मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 22,000 रुपये अगर आप खर्च कर रहे हैं, तो आपका परफॉर्मेंस वाइज इसमें ज़्यादा दमखम देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे ऑनर 8X में ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर दिया गया है उसकी प्राइस के मुकाबले, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर लास्ट में देखा जाए, तो दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे हैं। अगर ये कंपेयर करते हैं इनका पोकोफोन F1 से, तो पोकोफोन F1 शायद परफॉर्मेंस वाइज इन दोनों स्मार्टफोनों से ज़्यादा अच्छा है। बाकी वाले स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छे दिए गए हैं दोनों ही स्मार्टफोनों में। ऑनर 8X पैनासोनिक से ज़्यादा अच्छा है इन वाइज ऑफ कैमरा एंड परफॉर्मेंस एंड डिस्प्ले डिज़ाइन से भी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑनर 8X लेते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा आपको डील पड़ेगी। ऑनर 8X की प्राइस है आपकी 18,999, वहीं पर आपकी प्राइस पड़ेगी पैनासोनिक एलुगा की 22,000 रुपीज़। तो ये था रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। सी यू सून।